अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम सब। ओप्पो रिनो एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हमने ओप्पो के मास्टरपीसेस देखे हैं, और इस सीरीज़ के अंदर अब एक और एडिशन होने वाली है जिसका नाम है ओप्पो रिनो 7। इस फोन में कई अजीबोगरीब चीज़ें, जैसे इसके कैमरे के पीछे बत्तियाँ लगाई गई हैं, जी एडवांस कैमरा मॉड्यूल लगाया गया है, और भी बहुत कुछ। तो बेसिकली इस सीरीज़ के अंदर ओप्पो रेनो 7 और 7 प्रो, ये दो फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। 7 SE या इससे कोई छोटा वर्जन लॉन्च नहीं हो रहा, मे बी पॉसिबल बाद में लॉन्च किया जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें ना सबसे जो मेन और कूल चीज़ है वो ये है कि इसकी LED नोटिफिकेशन कैमरा मॉड्यूल के पीछे दी गई है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। और इसका नाम ओप्पो वाले ने ऑर्बिट ब्रीथिंग करके कुछ दिया है। आई डोंट नो कि किस तरीके से ब्रीथिंग को उसके साथ कनेक्ट किया, लेकिन यार है वाकई में कूल। और स्क्वायर एजेस जो दिए गए वो काफ़ी मिनिमल सी डिज़ाइन बनाई गई है, काफ़ी प्रोफेशनल सी। तो अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि यार इस बंदे को ना इस तरीके की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। खैर, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट बनाया गया है। 3.5 mm का कोई भी जैक इसके अंदर नहीं है, मतलब आप हेडफोन या हैंड फ्री वगैरह नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, 7.4 mm की थिकनेस यहाँ पे दी गई है, विच मीन्स दैट फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि रेनो सीरीज के अंदर ये सबसे ज़्यादा स्लिम फ़ोन होगा। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत फ़ोन बनाया गया है। अगर डिस्प्ले की बात करें यहाँ पे, तो ओप्पो रेनो 7 के अंदर 6.48 inches की एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी 90Hz की, और 6.55 inches की प्रो वाले वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगी। मतलब थोड़ा सा बस प्रो वाला वेरिएंट बड़ा देखने के लिए मिलेगा, बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी सेम है। मतलब 920 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो कि एवरेज है, और 409 PPI की डेंसिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जो कि एवरेज नहीं है, जो कि एवरेज से ज़्यादा है। और HD+ यहाँ पे हमें क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी, रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलेगी, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। अगर बेजल्स की बात करें तो अल्ट्रा थीन बेजल्स है, लाइक 1.5 mm का यहाँ पे बेजल्स बताया जा रहा है, जो कि बहुत कम देखने में लग रहा है और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोसेसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओप्पो रेनो 7 के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर 778G लगाया गया है, जो कि आप ऐसे कह सकते हो गेमिंग के मामले में थोड़ा बेटर है और काफ़ी सही भी है। और अगर हम प्रो वाले वेरिएंट की बात करें यहाँ पे, तो डायमेंसिटी 1200 लगाया गया है, और 1200 नहीं है, 1200 मैक्स है बेसिकली। अब कुछ बंदे ये सोच रहे हैं कि मैक्स कोई डिफरेंट प्रोसेसर है, लेकिन नहीं, डायमेंसिटी 1200 ही है। लेकिन ओप्पो ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, ये की हैं आप ऐसा कह सकते हो, और उसको मैक्स बनवाया है अपने हिसाब से यूज़ करने के लिए। तो डेफिनेटली ओप्पो रेनो 7 के अंदर ना हमें कुछ अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन देखने के लिए मिलेगी। एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। UFS 3.1 की स्टोरेज है, 8 128 और 12 256 वाले दो वेरिएंट आएंगे। आई एम नॉट श्योर कि 512 वाला वेरिएंट भी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों वेरिएंट आने वाले हैं। कैमरे के बारे में बात करें तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। कैमरे की बात करें यहाँ पे, तो हमें दोनों में ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। ओप्पो रेनो 7 के अंदर 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP का कैमरा देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम प्रो वाले वेरिएंट के अंदर बात करें ओप्पो रेनो 7 प्रो में, तो उसमें 50 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP देखने के लिए मिलेगा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार नॉर्मल वाले वर्जन में बेस वेरिएंट के अंदर 64 MP और प्रो वेरिएंट के अंदर 50 MP, ऐसा क्यों? तो अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रो वाले वेरिएंट में IMX766 की लेंस लगाई गई है, कैमरा सेंसर लगाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सेंसर है। मतलब किसी भी तरीके से आप 64 MP से इसे कम्पीट नहीं करवा सकते। इट्स सेल्फ 50 MP इसके लिए बहुत मोर देन इनफ होने वाला है। सेल्फी कैमरे की बात करें यहाँ पे, तो 32 MP का सेल्फी कैमरा है, जिसमें आपको IMX709 देखने के लिए मिलेगा कैमरा सेंसर। ये भी सोनी की तरफ से कैमरा सेंसर आता है, और वर्ल्ड फर्स्ट लगाया गया, मतलब इस फ़ोन के अंदर, मतलब दुनिया के अंदर पहला ऐसा फ़ोन है जो IMX709 के साथ आ रहा है। अगर हम कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें यहाँ पे, तो वाईफाई 6, डुअल स्पीकर, ब्लूटूथ 5.2, टाइप सी 2.0 विच इज़ गुड, 3.1 होना चाहिए था, 4500 mAh की बैटरी, और 65W का चार्जर, जो कि हर रेनो के साथ आ रहा है अभी आजकल, तो 65W का ही आएगा। अब अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो 60 से लेके
80 के दरमियान इसकी प्राइस होने वाली है, जो कि कंफर्म नहीं है। मतलब इन दोनों की प्राइस 60 से 80 के कहीं ना तो कहीं दरमियान में आने वाली है, लेकिन जो पीटीए टैक्सेस और जो कस्टम्स वगैरह टैक्सेस वगैरह जो लग रहे हैं अभी फ़ोन्स के ऊपर, उसके चलते हुए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 60 से 80 के दरमियान कहीं ना तो कहीं आपको ये दोनों फ़ोन्स मिलेंगे। और अगर लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो इंडिया के अंदर आज लॉन्च हुआ है, तो हमारे पास फरवरी के लास्ट तक के इंशाल्लाह ज़रूर मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अगर इस फ़ोन का आप इंतज़ार कर रहे हो तो वाकई में ये फ़ोन एक इंतज़ार करने लायक है। अगर आप ओप्पो रेनो के फ़ैन हो या फिर आपको पसंद आता है, तो क्योंकि मुझे ओप्पो की एक ही सीरीज़ पसंद आती है जो कि ओप्पो रेनो है, तो बहुत बहुत प्यारा फ़ोन है। दैट्स इट। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखेगा। दिस इज़ योर बॉय तलक बाल साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।